अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण का
संत सुन सरे संतो निहाल सरे भद्रान पश्यंतु माता चीज भाग बने हरिओम शांति 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 ओम प्रभो इसने भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेनत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्णः शरणौ मम। अहोभाग्यशाली कल्याण कामनी मेरे देवियो, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनो, कल से अपने इष्ट भगवान जी की दिव्य प्रेरणा को लेते हुए हम एक नए विषय पर विचार विमर्श के आधार पर कर रहे गए। एकाग्रता विषय चल रहा है मेरे देवियों, कंसंट्रेशन एकाग्रता या यक्षुई, ये विषय भी हमारे सबके बहुत ही काम आएगा आ रहा है, पर इस पे जब ज्यादा समझ आ जाएगी तो आप इसका ज्यादा लाभ उठा पाएंगे। हमने विचार किया एकाग्रता है क्या, एकाग्रता क्यों करनी चाहिए और करनी चाहिए तो कैसे, क्या क्यों कैसे में ये सारा विषय छिपा पड़ा है, हम इसी को लिया चाहते हैं। एकाग्रता क्या, मैं थोड़ी सी दोहराई कर दूं, एकाग्रता क्या, चारों ओर से मन हटाकर किसी एक की विषय पे जोर देना, ये एकाग्रता होती है। एकाग्र रहना मेरी देवियों, इसके विपरीत अर्थक है विक्षेपता। विक्षेपता होती है मन का चारों ओर भागना, मां जी का चिंतन, फिर पिताजी का चिंतन, पत्नी का, पति का, कल गुजर गया, आज का, कल आने वाले का, इसको विक्षेपता बोलते हैं। और हम भगवान का चिंतन कर लगे तो भगवान में ही मन गुम हो गया, इधर उधर का चिंतन बंद हो गया, भगवान के जाप में लगने लगे तो मन वहीं जम गया, इसको हमारे भगवान ने एकाग्रता कहा है। कितना स्पष्ट किया मेरे देवियों, यू फरमाते हुए न हो उसको ख्याले दुई से कोई काम, इसका एक शब्द है एकाग्रता। मैं आपको फिर कहूंगा एकाग्र रहना, ये विषय बड़ा सूक्ष्म है, मुझे उसे आसान करते हुए आपको समझा देना है। या यूं भी भगवान ने कहा ख्याल उसके वश में, अब वो ख्यालों के वश में नहीं रहा, बड़ी चोटी की अवस्था, वैदिक हिंदू धर्म के अनुसार बड़ी चोटी की अवस्था है मेरी कल्याणकामी देवियों, मेरे कल्याणकामी सज्जनों। ये तो बात ठीक हो गई, एकाग्रता किसे कहते हैं ये पता लग गया। एकाग्रता क्यों, चूंकि जिस शांति की हमें तलाश है, सुनो मेरी देवी,
जिस शांति के लिए हमने जन्म लिया, हमने पढ़ाई की, हमने कमाई की, हमने शादी की और भी नाना प्रकार के हमने कर्म किए, कर रहे हैं, करते रहेंगे, केवल शांति के लिए, आराम के लिए, चैन के लिए। वो एकाग्रता कभी ना मिलती नहीं। जब हम बेचैन होते हैं उसका मतलब हमारा मन विक्षेपता में होता है, जब हम चैन पा रहे होते हैं तो हमारा मन टिका हुआ होता है। इसलिए हमारे महर्षि वेद व्यास जी ने फरमाया, मन टिके हुए मन का नाम सुख है, भटके हुए मन का नाम दुख है। इससे बढ़ के सुख दुख की परिभाषा नहीं हो सकती। ये बड़ी चोटी की परिभाषा है। इसे कहती है भटका हुआ मन। तो फिर सीधी बात हो गई, हमारा मन टिका ही रहे ऐसा कोई तरीका है? जरूर, मन को टिकाने के लिए तो तप है, जप है, भजन है, सत्संग है, गीता जी का पाठ है, या जो भी हम धार्मिक क्रियाएं संपन्न करते हैं, केवल केवल मन को ठहराने के लिए। आजकल अंधाधुंध हो रही है, पर थोड़ा सा अगर सूझबूझ से करेंगे, भगवान जी के ज्ञान को लेके करेंगे, तो बड़ी जल्दी आप उन्नति कर जाएंगे, बहुत ही जल्दी। तो पता लग गया हमें एकाग्रता क्यों, मन की शांति के लिए। क्योंकि सुख दुख महसूस करने वाला जो फैक्टर है वो माइंड है, फीलिंग फैक्टर माइंड। किसने सुख महसूस करना है? मन ने। दुख कौन महसूस करता है? मन। अच्छा, अब अगर इसी को एकाग्र कर लिया जाए और भटकने ना दिया जाए, कितनी खुशी महसूस करेगा और कितनी जल्दी भक्ति में आगे निकल जाएगा। इस मार्ग में आप बहुत ही एडवांस हो जाएंगी अगर ये तरीका सीख ले कि मन को भटकने नहीं देना। मैं भगवान जी ने इसलिए गीता में अनेकों जगह कहा, सदा मेरा पेहम जिसे ध्यान है, मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, क्यों किसी गैर से दिल लगाता। आपने गीता जी में कई बार पढ़ा पर आप गहराई में नहीं उतरे, तो इतनी बात जान लीजिएगा, कल बड़ा विस्तार कर चुका हूं, एकाग्रता हमारे लिए आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। जैसे भोजन हमारी जिंदगी के लिए अनिवार्य है, जल हमारी जिंदगी के लिए अनिवार्य है, या वायु हमारी जिंदगी के लिए अनिवार्य है, इस तरह एकाग्रता भी हमारी खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए, हर्षो उल्लास के लिए अनिवार्य है। कोई भी बैठ के विचार नहीं करता घर के अंदर, इस एकाग्रता को हम स्थाई कैसे बनाए? ध्यान देना मेरी देवी, जो ये साधन सीख चुकी है, ये सीख गया है, बड़े अच्छे उसके भाग्य। जिसका मन हमेशा एक पॉइंट पर रहता है, चाहे हम कोई भी कार्य कर रहे हो, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते देते, मन एक में लगा हुआ है। सिर्फ एकाग्र तो उस वक्त नहीं जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं, इस उस वक्त कभी भी एकाग्र नहीं होगा। एक विशेष समय हमें एकाग्र हो जाए, नहीं गीता कृष्ण मानते, नहीं व्यास जी कहते, एकाग्र उसी का मन रह सकता है जो सारा दिन इसकी निगरानी रखता, सारा समय जो इसकी तरफ देखती रहती है। अच्छा, वो भी क्या प्यार हुआ जो सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के प्रति प्रकट किया जाए। प्रेम तो प्रेमी के अंदर सदा रहता है, प्रेम को आज्ञा दी जाती है कि केवल तुम प्रभात समय 2 बजे आना और 4 बजे तक रहना, और फिर जो मैं मर्जी मनमानी सोचता रहूं, करता रहूं, इसको तो मेरे भगवान पखंड कहते हैं। आज की धार्मिक भोली भाली जनता इस राज को नहीं जानती। हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे, मानने की कोशिश करेंगे, अपनाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। अब मेरे साथ आगे बढ़ो, जान लिया एकाग्रता अनिवार्य है, एकाग्रता के बिना जिंदगी चैन और करार से नहीं कट सकती मेरी देवियों। बस अब सवाल चमकता दमकता हुआ खड़ा हो गया, हमेशा के लिए एकाग्र कैसे हो? बहुत प्यारा विषय, बहुत कल्याणकारी विषय, बहुत लाभकारी विषय आपकी साधना में। खासकर ये विषय उन्हीं के लिए है जैसे आप कल्याणकामी हैं, जिन्होंने रूहानियत की मंजिलें तय करनी है, जिन्होंने आगे बढ़ निकलना है, उनके लिए विषय बहुत ही अच्छा। भगवान करे जो आपकी समझ आ जाए, आप फौरन अपना लें।
छोड़े नहीं। और मैं शुरू करूंगा स्थाई रूप में एकाग्र कैसे हो। मैं तीसरी बार कह रहा हूं एकाग्र हो जाइए। जरा मन को बेटे एक जरा टिका के, बड़ा सूक्ष्म विषय, मैं मजबूर हूं फिर भी इसे सुबोध करने की कोशिश करूंगा। मन की तो आप जानते हैं नाना प्रकार की वृत्तियां हैं, क्यों बनाई परमात्मा ने चर्चा करने व्यर्थ है। इनमें एक चोटी की वृत्ति है, वृत्ति को अंग्रेजी में वेव बोलते हैं भाई, लहर, WAVE, उनके पास और कोई शब्द नहीं। वृत्ति मीन्स मन की लहर, वेव ऑफ द माइंड। तो एक जो लहर है, एक जो वृत्ति है, बड़ी कमाल की है। इस शब्द, ये शब्द हर एक की जबान पे है, भले इस शब्द का प्रयोग गलत हो गया, दुरुपयोग यानी मिसयूज आपने कर दिया। आज के रजोगुणी तमोगुणियों ने इस शब्द का बहुत ही दुरुपयोग किया, लेकिन यह है बड़ा चोटी का शब्द और मन की वृत्ति है। बाबा क्या है वृत्ति? प्रेम। सजनों दिव्य प्रेम, ये मन की वृत्ति है। इसके उल्टा है द्वेष, सड़ना, कुड़ना, जलना, नाक भौं सूखे रहना, अंतःकरण को तंदूर की तरह जलाते रहना, खून को तपाते रहना, ब्लड प्रेशर हाई करके एक नई बीमारी छेड़ लेना, और जल्दी ना दूर करें द्वेष की भावना तो फिर बुद्धि पर स्ट्रेन पड़ेगा। और ये जो घर घर बीमारी चल पड़ी है हर एक के, क्या ये जो सब मेरी अनपढ़ी माताएं भी कहती हैं, क्या बड़ी टेंशन है, आखिर में यही द्वेष टेंशन का नया रूप ले लेती। टेंशन मीन्स खिंचाव, टेंशन मीन रस्साकशी, टेंशन मीन तनाव। तनाव नारियों पर एक विशेष प्रकार का ओवर बर्डन हम करते हैं। इस विचारों पर वो अंडरस्टैंडिंग ब्रेन जो घोड़े के वाल की तरह बारीक है, इस पर ज्यादा बोझ डाला जाता, सोच के कोई वे आउट नजर नहीं आता। किसी कोई कोई ऐसा मसला खड़ा कर लेते आप, या कोई समस्या जिसको आप जटिल बना देती है, जटिल समस्या का हल नहीं होता, फिर आप इसका बेड़ा गर्क करते हैं। किनके ये जो बारीक बारीक समझ की नाड़ियां हैं, इससे फिर अगर आप की किस्मत अच्छी नहीं और आप टेंशन में है तो रात की नींद गई है, दिन की भूख गई है, मन का चैन गया है, अब भी आप दूर नहीं करते तो जीना आपके लिए असंभव हो जाएगा। ऐसी गंदी वृत्ति है टेंशन की बीमारी। डॉक्टरों की के पास कोई गोलियां नहीं, कोई टीके नहीं, कोई टेबलेट नहीं है। डॉक्टरों की दवाइयां टेबलेट कुछ नहीं कर सकती टेंशन को दूर करने के लिए। ये ऐसी गंदी बीमारी है, पर ये नियम कह सकते कि होपलेस है या असाध्य रोग है जिसका कोई साधन ही नहीं, ऐसी बात नहीं। खैर मेरा ये विषय नहीं, मैं अब करता हूं जो मैंने कहा, हमेशा के लिए एकाग्र कैसे रहे, चाहे हम कहीं भी प्रारब्धवश मेरे सजनों मेरे देवियों चक्कर काटे, भले हम बिजनेसमैन हो, भले ही हम एक ऑफिसर हो, भले ही हम टीचर हो, भले ही प्रोफेसर हो, भले ही हम कोई और भी धंधा करती हो, क्लरिकल जॉब में काम करती हो, या चार दीवारी में ही हम सेवा करती हो, मे बी एनीवेयर अकॉर्डिंग टू आवर प्रारब्ध, हम कहीं भी हो, हाँ मन अपने में रहे और ये हमेशा रहे। तो आओ भगवान जी क्या फरमाती हैं। अभी मैं आपको हार्दिक प्रार्थना करूंगा, फौरन अपने मन में रख लेना, सिर्फ सुन के हां में आने मिलाना, दो आंसू नहीं बहाने मेरे मेरी बेटी, बल्कि फौरन मन में उतार लो कि बस ये बात मेरी हो गई, हाय हाय इसको मैंने नहीं जाने देना। जैसे एक प्रेम शब्द, प्रेम वृत्ति, हा इससे बड़ी जल्दी मन एकाग्र हो जाता है।
और हमेशा एकाग्र रहता है। ओए ओए सुन सुन सुनो मेरे बुजुर्गों मेरे भाइयों, प्रेम को जुजू आएंगे तो तुमान शैतान मन बंदर मन अपने आप में रहेगा। ये वृत्ति बड़ी ही अच्छी है, इससे बढ़ के वृत्ति और कोई नहीं हो सकती। दैट इज द बेस्ट सुप्रीम यूनिक एंड मैचलेस वे या मैचलेस वृत्ति। बड़ी महिमा गाई है भगवान जी ने और हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता महर्षि वेद व्यास जी ने। प्रेम ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। कबीर जी ने इतनी महिमा गाई, पंडित वो नहीं जो चारों वेदों पढ़ा हुआ हो, पंडित वो नहीं जो सारे शास्त्र जानता हो, पंडित वो है जिसने प्रेम की वृत्ति को संभाल के अपने अंतःकरण में रखा हुआ। आज हम पढ़े लिखे तो हैं, वी आर ऑल एजुकेटेड विदाउट लव। अब आजकल मेरी बेटी ने लव को ही बदनाम कर डाला, शरीर तक प्यार करे तो आप कहते ये मेरा लव अफेयर है, मैं तो प्यार करता हूं, इसको लव इसको प्रेम नहीं कहते, इसको तो अटैचमेंट मोह कहती है। अगर आप शारीरिक प्यार को प्रेम कहेंगे तो मोह किसको कहेंगे हैं, अटैचमेंट किसको कहेंगे? ये इसमें तो हमारा स्वार्थ छिपा है, जिसको आप शारीरिक प्यार कहते हैं नर नारी का, या जिसको आप चाहती है तो मैं तो लव अफेयर में हूं, बेटे लव अफेयर में नहीं आओ, इसको लव अफेयर नहीं कहते। ये तो समय बताएगा कि ये कौन सा अफेयर था। प्रेम कुछ और ही है, मैं क्लियर करूंगा। इतनी अच्छी वृत्ति है, अगर समझ जाए तो फिर मन की भटकन बंद। और जरा समझिए प्रेम क्या होता है। श्री जरा दिव्य रस का नाम प्रेम है, अलौकिक रस का नाम प्रेम है, एक विशेष प्रकार के उल्लास का नाम प्रेम है। हाँ, लव का नाम प्रेम नहीं, ब्लिस का नाम प्रेम है। अंग्रेजी के पास और कोई शब्द नहीं सिवाय ब्लिस के। लव को का शब्द ब्लिस क्या लगे, और थोड़ी देर के लिए हम अपनी छाती से अपने शरीर से परे हट जाएं, इसको प्रेम कहती है। मतलब थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को फूलने लग जाएं, इसको प्रेम कहती है। वाह, थोड़ी देर के लिए तू भूल जा अपने आप को, मैं नारी हूं या पत्नी हूं या मां हूं, हां और मैं क्या हूं, ये भूल जाए और थोड़ा सा तन से परे हटके, हां केवल मन में हम रोटेट कर रहे हूं, इसको प्रेम कहती है। जब तक इंसान अपने जिस्म में रहेगा, बॉडी कॉन्शियस में रहेगा, उसे मोह कहती है। भगवान मुझे ताकत दे मैं ठीक समझा के आपके मन में बिठाऊं। जब मुझे पता हो हा मेरा ये नाम है, मैं फलां का लड़का हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे बाल बच्चे गए, तो फिर इसको मोह कहेंगे। ये अवस्था बॉडी कॉन्शियस की है, ये अवस्था देह अध्यास की है। मुझे अपने शरीर के ज्ञान में जब प्यार हो तो उसको प्यार नहीं कहते, उसे मोह कहते हैं। इस मोह में स्वार्थ होता है, इस मोह में मैं कुछ अपना उल्लू सीधा करना चाहता हूं। अच्छा, दोस्त दोस्त में प्यार नहीं होता, मोह होता है, उसमें स्वार्थ होता है। खैर बड़ी दूर की बात है, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा ताकि मैं अपने विषय से इर्द गिर्द ना जाऊं, कुछ समझाता जाऊं। तो प्रेम दिव्य रस का नाम प्रेम है। दिव्य रस, एक रस होते लौकिक रस, मां जी ने मुझे चूम लिया, आलिंगन किया, मुझे कुछ रस आया, पिताजी ने मेरी फरमाइश पूरी की और मुझे बगल यानी आलिंगन किया, मुझे रस आया, ये है क्या लौकिक रस, थोड़ी देर आया फिर चला गया। बड़ी बहन ने मुझे प्यार किया और मेरी हथेली पर पत्नी क्या चीज रखी, मुझे रस मिला। दो दोस्त आपस में बगल गिर हुए और शेक हैंड गर्मा गर्म किया और आंखों आंखों में जरा प्यार लिया, ये शारीरिक रस है।
पति पत्नी के प्यार में ये शरीर एक रास्ता है, आधा घंटा हो चाहे घंटा हो, शरीर एक रास्ता, उसके बाद आप उकता जाएंगे, घबरा जाएंगे, आपका मन घूमने फिरने करेगा। इसको 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 रस थोड़ा कहेंगे, ये दिव्य रस नहीं, ये लौकिक रस। टेम्परेरी थोड़ा सा मन एकाग्र हुआ, अच्छा ये जितने भी है इसके एक ही शब्द कहा गया लौकिक रस। और लौकिक रस जी, दिव्य रस क्या होता है? दिव्य रस किसी से नहीं लिया जाता, लौकिक रस किसी के द्वारा मिलता है। एकाग्र है ना, लौकिक रस किसी के द्वारा मिलेगा, पिताजी से, माँ जी से, बहनों से, भाइयों से। मैं पास हो गया, मैं अच्छे नंबर ले गई, मुझे नौकरी मिल गई, मैं जहां चाहती थी मेरी शादी हो गई, किसी के द्वारा। हाँ, यू गेट द लोकल रस बाई मीन्स ऑफ। अच्छा, बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। किसी के द्वारा बेटा आपका पैदा हो गया, गोदी आपकी हरी भरी हो गई, अब आप चूमती हैं, चाटती हैं, दूध पिलाती हैं, एटसेट्रा, आपको बड़ी खुशी मिलती है। लेकिन किसी के द्वारा, भगवान ने कहा ये सारे अकल के अंधे हैं। हाय, जब आप इस द्वारा किसी के द्वारा रस ले रहे हैं, सुनो सुनो सुनो, आपको बहुत कल्याणकारी बातें अपने भगवान की बताऊं और अपना कर्तव्य पूरा करूं। जब हम किसी के द्वारा रस ले रहे होते हैं, हाँ, हम बड़े मूर्ख बन रहे होते हैं। क्यों? हम दुख को अनजाने रूप में निमंत्रण दे रहे हैं। मेरे रब्बा, मेरे रब्बा, ओ सुनो नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवियों, अनजाने रूप में हम दुख को बुला रहे हैं, अनोइंगली है वो इनवाइटिंग डिस्प्लेयर सारोज मिजरीज डिस्टर्बेंस कॉम्प्लिकेशंस है। इसलिए आज की 99% जनता दुखी है, वो किसी के द्वारा खुश है, किसी के द्वारा। हाँ, मुझे अच्छी, मैं बहुत पास हो गया है, मुझे डिग्रियां मिल गई, डिग्रियों के द्वारा, इतने से कागज के टुकड़े ने मुझे खुशी दे रखी है, सर्टिफिकेट ने मुझे खुशी, देख देख देख, मैं MPhD हो गया, मुझे डिग्री मिल गई, आ देख, हाँ बड़ी अच्छी, बहुत पढ़ गया तू, हाँ नाउ आई एम गेटिंग नॉट हैप्पीनेस बट प्लेजर। फिर मुझे नौकरी मिल गई, अब नौकरी से, कुर्सी से, कुछ दो दो चार नौकर हो गए, कहना मान इनसे, फिर मुझे मेरी शादी हो गई, फिर हम आपस में प्लेयर लेने लगे, ये किसी के द्वारा। फिर बच्चा हो गया, बच्चे के द्वारा, फिर धन हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, अपनी कॉपी खोल के देखता हूं, ये धन के द्वारा। हाँ, लोग मान करती हैं, इज्जत करती हैं, उससे मैं अमृत के घूंट भरता हूं, किसी के द्वारा। बुरी बात ना होती अगर रब ने इस नियम ना बनाया होता, क्या जब इंसान चार कान से खुश, सुनना एकाग्र होके मेरी देवियों, जब हम किसी के द्वारा खुशी ले रहे होते हैं, हाँ, तो जिसके द्वारा खुशी ले रही है, ये वातावरण सदा नहीं बन सकेगा। क्यों? परिवर्तन हो जाएगा, या परमात्मा इसमें परिवर्तन ना लाता। तो हमें डिग्री से हमेशा खुशी मिलती, धन से मिलती, पत्नी से मिलती, पति से मिलती, बच्चों से मिलती, इज्जत से मिलती, लेकिन इसमें परिवर्तन हो जाएगा। प्रकृति का यह अटल नियम है, यह मां ने बताना था, यह पिताजी ने बताना था, यह हमारे पुरोहितों ने बताना था, यह सब्जेक्ट अनिवार्य रूप से यूनिवर्सिटी में होना चाहिए था। नो जाए विदाउट अलाय, इन मां के पुत्रों ने कहावतें बना रखी हैं, लेकिन हमारी बुद्धि में नहीं बिठाते कि संसार की कोई ऐसी खुशी नहीं जिसके पीछे गम ना आ रहा हो। अलाय कहती है मिक्सचर, अलाय कहती है मिलावट है। संसार की कोई ऐसी खुशी नहीं जिसके पीछे गम ना आए, संसार में कोई ऐसी बसंत नहीं आती जिसके पीछे पतझड़ ना आ रही हो। मेरे रब्बा ओए, नसे आप दरवाजे बंद करती हैं, एक दरवाजे को किया, दूसरा दरवाजा साथ आ रहा था, अब तो कुंडी लगेगी, बोल्ट करेंगे आप। दरवाजे दो पार्ट होते हैं, एक आपने आगे किया, ये दूसरा भी साथ आया। सुख पहले आता है, दुख बाद में आ जाता है। एंड व्हाट इज दुख?
क्या मन की भटकन, मैंने अभी बताया था मन की भटकन का नाम दुख है। हाँ, तो मन कब भटकेगा? जिस तरीके से मैं शांति पिताजी से, माता जी से, जिस एटमोस्फियर में, जिन एनवायरमेंट में, जिन सराउंडिंग्स में, जिस मन के स्तर में, मेरी माँ जी का ये स्तर है तभी मुझे खुशी मिली, मेरे पिताजी का ये मन का स्टैंडर्ड है, मेरी पत्नी के मन का स्टैंडर्ड ये है, पतिदेव जी के मन का स्तर ये है, उर्दू वाले मैयार कहेंगे, उनके दिल का मैयार इस प्रकार का है और आपके दिल का मैयार भी उनके बिल्कुल बराबर है। व्हाट ए वंडर, आपका मैयार जिससे आप खुशी ले रहे हैं उनका मैयार बिल्कुल बराबर, जैसे वो रेलवे लाइन पैरेलल जा रही है। देखो भगवान कृष्ण क्या चोटी का उपदेश देते हैं, हर हम भारत में उत्पन्न होते हुए उनके उपदेश से वंचित रहे, उनकी फिलॉसफी से, उनके मनोविज्ञान से हमें वंचित रखा गया। इसका मजा तब है जब आग हो दोनों तरफ बराबर लगी हुई, पर इस संसार में बराबर आग लगी रहेगी, जो इस वक्त सत्तार मेरा है या पति का है या पत्नी का है ये, और आप बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, मेरी बहुत अच्छी पति, मेरी बहुत अच्छी पत्नी, या हम तो आराम से रहेंगे, खुशी से रहेंगे। वातावरण आपको बुद्धू कहता है, अरे मेरे भाई आप आपस में खुशी से रहेंगे। हाँ, आप दोनों का सत्तार बराबर रहेगा, ये दोनों बराबर रहेंगे, यूं हमेशा जाएंगी, ये पत्नी के मन का स्तर और ये आपका स्तर, नाउ दीज आर ऑल गोइंग पैरेलल, तो ये पैरेलल जाएंगे हमेशा, नहीं जा सकते। क्यों? भगवान ने एक बड़ा विचित्र नियम बनाया परिवर्तन का, चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। सुनो नेक जनता, वो कल्याणकारी मेरे देवियों, चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का तब्दीली या परिवर्तन प्रकृति का ना बदलने वाला अटल नियम है, परिवर्तन प्रकृति का ना बदलने वाला अटल नियम है। रपा 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 रपा, दिन हुआ है, दिन ही रहेगा, नहीं दोपहर होगी, दोपहर ही रहेगी, नहीं शाम आएगी, शाम ही रहेगी, नहीं रात आएगी, रात ही रहेगी, नहीं प्रभात आएगी, प्रभात ही रहेगी, नहीं उषा काल आएगी। ओए मेरे रब्बा, ओए, व्हाट इज स्ट्रेंज सर्कुलेशन, व्हाट इज स्ट्रेंज चेंज, क्या मेरा जोबन ही रहेगा, नहीं प्रौढ़ावस्था मिडिल एज आएगी, मेरी मिडिल एज ही रहेगी, नहीं बुढ़ापा आएगा, मेरा बुढ़ापा ही रहेगा, नहीं स्यापा आएगा, स्यापा ही रहेगा, नहीं मैं मर जाऊंगा। हाय मेरे रब्बा, कोई भी संसार में, परिवार में, शरीर में, मन में, बुद्धि में, धन में, रिश्तेदारों में एक जैसी अवस्था नहीं रह सकती, फिर तो मरे कोई अपनी तरफ से जितनी मर्जी कोशिश कर ले। इसलिए सार रूप में महापुरुषों ने हमारे सामने निचोड़ रखा है, सब दिन होतना एक। कभी ना भूलना आपको अपने कल्याण की कसम, आप कल्याण के लिए आती हैं यहां पर, आपको अपने कल्याण की कसम, इस सिद्धांत को कभी ना भूलना कि सब दिन एक जैसे नहीं होते, मतलब परिवर्तन जरूर होगा। भगवान ने सृष्टि को परिवर्तन के ऊपर रख के बनाया है, परिवर्तन पे रख के बनाया, बड़ी कोशिश की है आजकल के साइंटिस्ट ने कि देयर शुड बी नो परिवर्तन एट ऑल, अगर परिवर्तन ही होता तो विकास बंद। ओए मेरे रब्बा, एक बीज में परिवर्तन हुआ तो उससे कोंपल निकली, कोंपल में परिवर्तन हुआ तो उससे इतना मोटा तना निकला, तने में परिवर्तन हुआ तो उसमें शाखाएं निकली, शाखाओं में परिवर्तन हुआ तो उससे पैर शाखाएं सब ब्रांचेज हुई, उनमें पत्ते लगे, बूर लगे, है पत्ते लगे बिचे, बूर लग गए, हाँ फूल लग गए, फल लग गए, फल मोटा होने लगा, मोटे फल में रस पड़ गया, मेरे रब्बा, और रस वाला फल गिर गया, गिर के हमने टुकड़े किए, उसमें अगणित बीज थे जो हमने एक बीज धरती के गर्भ में छिपाया था, अब एक एक फल में अगणित बीज है, अगर आप उसका यूज करती है वेल एंड गुड, नहीं तो वो सड़ जाएगा, गल जाएगा। कितना परिवर्तन, इस तरह कितना परिवर्तन आपके परिवार में जब से आपने होश संभाली है, घर में कितना परिवर्तन देखा। प्रकृति ने यह नहीं देखना कि परिवर्तन आपके अनुकूल है या प्रतिकूल, यह बात समझते जाना, परिवर्तन आपके फेवरेबल है या अनफेवरेबल, इट इज प्लेजेंट और अनप्लेजेंट है, यह आपको गवारा है या ना गवारा, प्रकृति नहीं देखती। प्रकृति के जैसे नियम है, चाहे आप सारे मर जाओ, सारे कुचले जाओ,
प्रकृति को गिन गिन के एक एक क्विंटल गालियां दो, प्रकृति दस दर के रेटॉन। जो परमात्मा ने नियम बना दिया है वो आगे बढ़ चलेगा। बेटी बीटी बीटी बीटी, जो परमात्मा ने नियम शुरू से बनाया था, युग बदल गए पर नियम ज्यों के त्यों, नहीं तो वे परिवर्तन गवारा होता न गवारा हो है, पर परिवर्तन होके रहेगा। दाना आदमी, आप जैसे दूरदर्शिता से काम लेने वाले जब इस राज को जान लेते हैं, अपनी सब प्रकार की इच्छाएं भगवान के चरणों में समर्पित कर देती। सुनिए सुनिए, गौर से सुनिए, ए मेरी भगवती, सब प्रकार की जो हमारी लिमिटेड डिजायर्स हैं, लिमिटेड वांट्स हैं, लिमिटेड क्रेविंग्स हैं, लिमिटेड लॉन्गिंग्स एंड बिलोंगिंग्स हैं, हम भगवान के चरणों में समर्पित कर देते। हां, जब ये जाना कि प्रकृति में परिवर्तन तो होके रहेगा, लाख पड़ा मैं कोशिश करूं, इंसान विवश है। कितना प्यारा शब्द है अपने राष्ट्रभाषा का, विवश, हेल्पलेस, वी आर ऑल हेल्पलेस जहां तक प्रकृति के चेंज का नियम है। हेल्पलेस हो तो जब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी कैपेसिटी या शक्ति से बियॉन्ड है, तब हम कहेंगे हम विवश, हम मजबूर है, हम हेल्पलेस है। तो दाना आदमी इन सारी कामों को भगवान के चरणों में समर्पित, तो फिर क्या होगा? और अपने मन से कहते हैं, मेरे मालिक आप तो अंतर्यामी देख लो, मैंने इस नियम को जान लिया, पर मैं तो अपना कल्याण करना सारे नहीं रख सकते, केवल आप जैसे कल्याण कामी जीव, केवल आप जैसे कल्याण कामनी, जो इस काल युग में दिन ब दिन और कम हो जाएंगी और कम हो जाएंगी, क्योंकि रब ने कहा हुआ है हजारों में होगा कोई खाल खाल, जिसको फिक्र असूले कमाल, हजारों मनुष्यों में कोई होंगे जो असलियत की पहचान करके अपना कल्याण कर जाए और मरे तो हमेशा के लिए मरे, फिर किसी मां के गर्भ में ना गिरे। गॉन एंड गॉन फॉर एवर, नो मोर कमिंग, नो मोर गोइंग, ये गोइंग कमिंग जस्ट सोल की ट्रांसमाइग्रेशन, नो मोर, गॉन एंड गॉन फॉर एवर। हाय हाय, गए मालिक की जात में तलीन हो गए, फिर ना तू छोरी बनी या छोरा बना, ना चल दे मुन्ने, फिर ना बने हम, फिर तलीन हो गए। आप अंग्रेजी बोलते हैं सोल मर्द हो जाती है, गलत, जो मर्द कहना चाहता है जुरत करके खड़ा हो जाए, सोल मर्द नहीं होती, सोल सब्लिमेट होती है, है? चगले मार बैठते हो अपने अनुभव तो होता कोई नहीं, हां मर्द होती है, वो भी आगे कहेगा गुग्गू, हां हां मर्द होती है, अरे मर्द जो होता है जैसे गोता मारा पानी में, फिर आप वैसे के वैसे निकल आए चोटी से, सिर से चोटी तक, और सब्लिमेट होता है जैसे खांड की गुड़िया पानी में घुल गई निकलेगी बाहर। पानी में डिजॉल्व हो जाना ये सब्लिमेशन है, और पानी में डाइव करना गोता मार के फिर निकल आए, फिर तेरी गुतड़ी, तो फिर तेरी चुन्नी, तो फिर तेरी सलवार, तो फिर तेरी कमीज, और फिर ये शक्ल, ये सारे कुछ बाहर निकल आया, ये क्या था? मर्ज हुआ है, ये तो मर्ज हो, मर्ज बिल्कुल कुछ और है। वैद्य धर्म ये नहीं कहता तुम मर्ज हो जाओगे, तुम सब्लिमेट हो जाओगे, पहुंचकर जहां से ना लौट, दिस इज नथिंग बट सब्लिमेशन, एक में को जाना, जैसे गंगा एक में को जाती सागर में, अब आप समझ जाइए, जैसे गंगा एक में हो गई संगम पर, जहां गंगा और सागर का संगम हो रहा है, तो वहां क्या हो रहा है? गंगा अपने आपको मिटाई जा रही है, गंगा अपना मीठा पानी का गुण भी भूल गई, उसका खारीपना ले लिया, अपने आप को तलीन कर दिया। क्यों? गंगा कहती है परम पिता, मैं तेरे से ही निकली थी, तेरे से बुखारात बने थे, बुखारात बन के बादल बन गए थे, यही बादल अपने पहाड़ों पे बरसे थे, और पहाड़ों पर ये बर्फ पानी जम के बर्फ बन गई थी, फिर सूर्य देवता जी ने बर्फ को पिघलाया, और फिर प्रपात, पानी के प्रपात या फॉल, वाटरफॉल्स जगह जगह पहाड़ों में बने, और वो धरती पर गिरे, और वो एक नदी की शक्ल ले गए जिसको हमने गंगा कहा, वो एक गंगा बैठी हुई थी, फिर सागर में गई, और सागर में एक में गई। जीव कितना धक्के खाता है अगर कभी समय निकालकर आप इन राजों पर सोचे तो। अगर मेरी बेटियां इधर थोड़ा खा के भरे पेट से नहीं सोच सकेंगे, जरा ये तोंदू जो है ना कम भरा हुआ हो, जरा पीछे घुसा हुआ हो, तब सोचने का मजा आता है।
आप भर पेट सोए खा लेंगे तो आपको नींद आ जाएगी, सुस्ती आ जाएगी। जब भी सोच रहा हो जरा आधी आधा भोजन किया हुआ हो फिर बड़ा मजा आएगा आपको सोचने का, या सेब और दूध पी करके सोचा करें, बहुत मजा आएगा। लाइट डिश, लाइट डिश हाई थिंकिंग, लाइट डिश हाई थिंकिंग, हाई हाई। अब आप बड़ा चोटी का सोचेंगे, अच्छा ऐसे राजों पर सोचे जिसको मेरे भगवान कहते हैं ये गीता क्या है, रॉयल नॉलेज रॉयल सीक्रेट, ये राज विद्या राजगुह्य योग है, सोचा करें इसके ऊपर गहराई में उतरे। अच्छा तो परिवर्तन तो भी संसार में हो ही ना। अभी थोड़ी देर पहले आप देखे पतझड़ पतझड़ पतझड़, अब देखिए दृश्य कितने मुस्कुरा रहे, हरियाली कितनी सुंदर, कितनी अच्छी हरियाली, हरी चादर आपके धरती के नीचे ऊपर बिछी पड़ी है। पर ये थोड़े दिनों की बात है, थोड़े दिन खुश हो लोगे फिर तब्दीली आएगी, पतझड़ आएगी। दाना आदमी इसलिए अपने आप को भगवान के अर्पण कर देता है, मतलब अपनी सारी वासना कामना भगवान के अर्पण। तो बाबा आप जिंदगी कैसे काटेगा, सुनो सुनो, अपने आप को सौंप दिया, आप सौंप के मन बुद्धि वचन से झुका दिया। जब हम हिंदू लोग घुटने टेक के सिर झुका के यूं प्रणाम करते हैं या दंडवत प्रणाम करते हैं, उसका मतलब ही समझ लो, हे प्रभु ये सिर आपके चरणों में समर्पित, तय तो अपनी कामना इच्छाएं समर्पित कर दी, फिर ये सिर इसमें जो भी इरादा होगा आपका, फिर छाती लगी धरती के साथ, इस मन में जो भी विचार होंगे आपके, और ये सारे शरीर के सब अंग अंग प्रत्यंग धरती पे लग रहे हैं, महाराज जी अंग प्रत्यंग आपके लिए ही काम करेगा। हाय ये हो गया क्या, पूर्ण समर्पण, कंप्लीट डेडिकेशन है। प्रेमी होता ही यही है, शादी के बाद सारा देश नहीं दे दिया श्रीमान को, और जो बैंक बैलेंस तू ले गई है पता नहीं 1.25 लाख जो कमाती रही है, तेरे माँ बाप ने खर्च नहीं किया, तेने दे दिया, ये आप संभालो, है इतना कमाया तूने जी, देख लीजिए आप सारा दहेज, 1.5 लाख का दहेज दिया, पति जी को दिया, बैंक बैलेंस पति को दिया, और जरा भी कोई बुरी नजर से देखता था तो तुम कितनी गालियां देती थी, और अपना सारा शरीर एड़ी से चोटी तक इस प्राई मां के प्राय पुत्र को सौंप दिया। क्यों, प्रेम की रीत यही, अपने आप को समर्पित कर दिया। ये भगवान ही बनाया ही ऐसा है, सृष्टि ऐसी चल रही है, वरना 1 घंटा भी सृष्टि नहीं चल सकती अगर हम अपने आप को समर्पित ना करें तो। पहले पिताजी के समर्पित किया, कभी मां जी के समर्पित हुए, कभी बड़े भैया के समर्पित हुए, कभी दफ्तरों में अपने इमीडिएट बॉस के समर्पित हुए, मेरे रब्बा हुए, कभी मेरी बेटियां अपने पति के समर्पित हुई, कभी आप बुजुर्ग होकर अपने बच्चों के समर्पित हुए, व्हाट ए वंडर। कभी हम भक्ति में लगे तो इष्ट देव को अपने आप को समर्पित कर दिया, और सब कुछ उनका समझ करके उन्हीं के लिए जिंदा रहने लगे, अपनी कोई कामना नहीं, जो वो करे मैं खुश हूं प्रभु, जो आप बना रहे मेरे मालिक मेरे इष्ट देव मैं बड़ी प्रसन्न, अपनी कोई कामना नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं। ऐसे जी बड़ी जल्दी मन को एकाग्र करते हुए भगवान की जात में समा जाते, पर जो वासना कामना रख करके किसी के द्वारा खुशी ले रहे थे पिटेंगे बुरी तरह, चूंकि एक जैसे नहीं रहेंगे दो, चूंकि भाई मीन साहब हम खुशी ले रहे थे उसमें परिवर्तन आएगा, या आप में परिवर्तन आएगा, गिले शिकवे शिकायत अब तो मेरी परवाह ही नहीं करती, पर मैं क्या करूं बच्चे आप ही कहे, मुझे सारा काफी समय तो बच्चों को देना पड़ता है, पति को शिकवा है पत्नी के साथ, चूंकि पत्नी ज्यादा टाइम आपको नहीं देती, पर मरे क्या वो उसके बच्चे हैं, आपने बेवकूफी की, छोटे छोटे बच्चे पैदा कर लिए, इनमें 5-6 साल का वक्फा होना चाहिए था, आपने उसमें वक्फा 1.5 साल का रखा है, एक उसकी इस जांग पर है एक उसकी छाती के साथ है, मरे आप क्या करें, हाय मेरे रब्बा आप टाइम कहां दे, अब गिले शिकवे शिकायत, फिर ज्यादा टाइम देने से ओवरबर्डन बीमारी लग जाएगी, आपको बीमारी लगेगी, इस तरह परिवर्तन तो हो के रहेगा। फिर क्या हुआ, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, किसी के द्वारा जो हमने खुशी ली हमने दुखों को बुला लिया, मां जी इतनी सेवा कर रही थी, मां जी गए हैं, हाँ पिताजी कितनी सेवा कर रहे थे, अचानक एक्सीडेंट हो जाएगा या ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा
या हार्ट ट्रबल हो जाएगी। मेरी रब्बा, रब को कहो ये नियम क्यों बनाया, तल्लुक से पैदा जो उसी से प्रगट हो आखिर में। मैंने तो आपको गीता के सिद्धांत प्रकट कर देने हैं कि अगर आप किसी के द्वारा आप शांति ले रहे हैं, हाँ बड़ी जल्दी परिवर्तन होगा, फिर आप रोना पड़ेगा। और अगर जो भगवान अपने आप को समर्पित करके महाराज जी से खुशी ले रहा है वो सदा ही शांत रहे, क्योंकि भगवान में परिवर्तन होना नहीं, उसको अंदर ही अंदर दिव्य रस मिलना है, उसने अंदर ही अंदर अभ्यास करते रहना है, जाप करते रहना है, भजन करते रहना है, इन अदर वर्ल्ड अंतर्मुखी होते रहना है। हाँ तो वो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, मालिक के नजदीक पहुंचता रहेगा, रस बढ़ता रहेगा। हाय कितनी खुशी मिलेगी जिसका वर्णन किसी से भी नहीं हो सका, ना हो सकेगा। ये कितना पॉइंट है गजब का कि मैं अपनी खुशी का केंद्र भगवान को बनाऊं, इन प्राणी पदार्थों को ना बनाऊं, नहीं तो मैं अपने भविष्य को ब्राइट की जगह बिल्कुल ही डार्क कर लूंगा। कौन इतनी पढ़ी लिखी हो, इतना कमाती हो तुम, लेकिन ये राज की बात नहीं जानी। सारी रो रहे हैं, कुआरी भी रो रही है, हाँ ब्याह भी रो रही है, और रंडी भी रो रही है, सारी फिर खुश कौन होगा। आ कुआरी भी शिकवे से भरे पड़े गए, ब्याह हुए तो शिकवों का अंत कोई नहीं। हाँ और जो रंडी हो गए, जिनकी घरवाली मर गई, वो भी रोई जा रही है, सेकंड मैरिज नहीं होती, सेकंड मैरिज नहीं होती, सेकंड मैरिज, फर्स्ट मैरिज ने तुझे तृप्ति नहीं दी, सेकंड मैरिज तुझे तृप्ति देगी, वो इंद्रानी की लड़की होगी तेरे पास आने वाली है। कितना भूल भलैया, कितना धोखा है, कितना जबरदस्त धोखा, इसी अज्ञानता के आधार पर सृष्टि चल रही है। ज्ञानवान सृष्टि नहीं चला सकते, मूर्ख अज्ञानी ही सृष्टि चलाएंगे। जिनको सिर्फ यही सिद्धांत पता लग गया कि ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख उसी से प्रकट हो आखिर में, तो भगवान इसी में कह रहे हैं दाना कहां इससे कुछ काम है। दाना भी कभी इंटेंगल नहीं होगा, निराला बन के अपने दिन काटेगा, निराला बन के, भले परिवार में रहे निराला बन के, किसी के साथ अटैच नहीं होगा, किसी से उम्मीदें नहीं रखेगा, केवल अपने कर्तव्य कर्म करता रहेगा। जो माँ बाप बहन भाई के प्रति अपने कर्तव्य का जो अपने ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है, मेरे सज्जनों मेरे देवियों, वो बड़े हास के आधार रखेगा। गीता कृष्ण की शिक्षा क्या है, सब्जेक्टिव जाओ ऑब्जेक्टिव नहीं, अपने ताई देखो, मेरा कर्तव्य पिताजी माँ, ये मेरी बहन, ये मेरा भाई, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, मेरा कर्तव्य इनके प्रति क्या है। वो मर जाएगा, वो दिन उसके लिए नहीं चढ़ेगा जब वो ऑब्जेक्टिव जाए, क्या पिताजी मेरे लिए ये नहीं कर रहे, माँ मेरे लिए ये नहीं कर रही, मेरी पत्नी ये नहीं, कभी भी नहीं। उसका तकिया कलाम ये है, जो मेरा फर्ज है जो है, रख उस पर नजर न जी डगमगा उसकी। हाय कितना गजब का नुक्ता, वो कहता मेरी ड्यूटी क्या है, मैं उसे पूरा कर लू। कभी नहीं कहेगा मेरा बाप मेरी ये नहीं कर रहा, मेरी बहन नहीं कर रही, मेरे भैया नहीं कर रहा। लड़ाई झगड़ा फसाद, हम लोग बेचैनी तब लेते हैं जब उंगली यूं उठाते, तू परवाह नहीं कर रही, आप मेरी परवाह नहीं करते, कोई मरे कोई जीवे, सुथरा घोल पतासा पीवे, वो कभी नहीं कहेगा। क्योंकि भगवान तेरे दरबार में मैं सुरखुरु होके आऊंगा, मैं अपना कर्तव्य निभा के आऊंगा, कोई निभाए या निभाए ना निभाए ये वो जाने, पर आप ये नहीं कहेंगे कि मैं अपना कर्तव्य पूरा करके नहीं आया। देखिए 15वें अध्याय का अंतिम फरमान, फराइज से अपने वो सुबक दोष होके जाएगा। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, जरा शान से निकले, क्योंकि ये अपने सारे फर्ज पूरे करके जा रहा। ये संसारी का जनाजा नहीं, ये संसारी की अर्थी नहीं जा रही, ये किसी रब के प्यारे की अर्थी जा रही है। धूमधाम से निकालो, क्या हां ये तो बिल मेरी छोटी सी अकल के अनुसार, क्या जो हम कफन सफेद रखती है हर एक के ऊपर, नहीं बाजू सफेद कफन के लेने का अधिकारी वही है जो सारे फर्ज पूरे करके सफेद होके मरा, उसके ऊपर सफेद कफन डालना चाहिए है जी, बाकी पर तो काला कफन डालना चाहिए। आप कहें काले तो मुसलमान डालती हैं, वो छोड़ो प्रमुख बात को, जो अपनी कामना लेके मर रही हैं, वास्ता लेके मर रही हैं, मोह लेके मर रही हैं, वो सफेद कफन लेके मरने वाले नहीं है। हाय मेरा हिंदुस्तान पुकार पुकार के कहता है,
जा रहा हो आखिरी वक्त जब इस जहान से, जा रहा हो आखिरी वक्त जब इस जहान से, सुनिए, कफन के साथ लिपटी हुई कोई आरजू ना हो, इसके ऊपर तो धोबी धुला हुआ सफेद कपड़ा, सफेद कफन डाल दो। जा रहा हो इस जहान से जब आखिरी वक्त, कफन के साथ लिपटी हुई कोई आरजू, कोई का कामना, कोई वासना, हाय मेरा ये रह गया, हाय मेरा पुत्र रह गया, हाय मेरी धी रह गई, हाय मेरे हाथ रंगने रह गए, हाय ओ नालायक। जब दिन बदन आयु जा रही थी, दिन बदन ऐसे घड़ियाल बजते थे, काफल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। व्यास जी ने कहा, सवेरे शाम दुनिया वालों के लिए, आपके लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं। सुनो तो, सुन मेरी भोली भाली डबल रोटी, ए डबल रोटी सुनो जरा, क्या सवेरी शाम तो रजोगुनी जीवों की होती है, हमारी नहीं, तो हमारे लिए क्या है? जो तो है ना सवेरे, वो सफेद चूहा है, हाय हाय, और जो रात है ना वो काला चूहा है। अच्छा, ये हमारी उम्र की टेढ़ी दिन रात काटी जा रही है, देख रहा समझाने का ढंग। दिन में सफेद चूहा हमारी उम्र घटाता है, फिर वो थक जाता है तो काला चूहा बिल में से निकल आता है, रात आ गई, अब वो रात को हमारी उम्र घटाएगा। हमारे लिए दिन रात सफेद और काले चूहे हैं, जो हमारी आयु कम करते जा रहे हैं। नालायक इंसान वासना करके ये भूल जाता, मेरी बुद्धू बेटियां अपनी वासना कामना मोह करके इस असलियत को भूल रही है कि सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती। तो कुछ ठोस रूप में करना था, मरने से पहले सब अरमान पूरे कर लेने थे, उल्टी बढ़ते जा रहे, ऐसे गंदा रास्ता लिया है भगवान का रास्ते को छोड़ करके कि वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार, हयात उसकी दुनिया में बेकार। अब धना आदमी को पता लग गया, ज्ञानवान को गीता जी का ये सिद्धांत पता लग गया, मेरी कल्याणकामी देवियों को ये सिद्धांत समझ आ गई, अब क्या केवल हम अपने अपने प्रति जो फर्ज है वो पूरे करते जाएंगे, जो हमारे लिए बैठती है कि ये फर्ज इनके लिए है कर दे, वो करे ना करे जाने वो। जब व्यक्तिगत सोचना है, वस्तुगत नहीं, उसने ये नहीं किया वह मर गए, फिर हम अपने को तो देखते नहीं, ना कहा करो ऐसा, अगर जल्दी भक्ति करनी है, कल्याण करना है, मेरा फर्ज क्या है? चूंकि जो है फर्ज तेरा रख, उस पर नजर न दी डगमागा, उसकी तकमील उसको पूरा एग्जीक्यूट करो जल्दी जल्दी, तो हमारा मन टिका रहेगा। हमने किसी का भरोसा नहीं लिया, हमने केवल अपने इष्ट देव का भरोसा लिया, बाहरी रूप में हमने किसी, हम तो कर्तव्य कर्म पूरे कर रहे हैं, बेटी 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 हम तो अपने कर्तव्य कर्म को निभाई जा रहे हैं, मन हमारा अपने में रहेगा, हाय मन हमारा बाहर नहीं जाएगा, रोते पिटते वही है जो भरोसा करते हैं, जो कईयों के सहारे दिन काट रहे हैं उन्हें रोना पड़ेगा, वो नहीं भक्ति कर सकते, उनका मन टिक सकता ही नहीं, क्योंकि परिवर्तन होगा गवारा नहीं होगा, रोते रहोगे, परिवर्तन होगा आपके अनुकूल नहीं होगा, आपको रोना पड़ेगा, परिवर्तन तो हो गए इसलिए आपको सारे दुखी नजर आते। मैं जानिया दुख मुझको दुख सभाया जग, कोठे चढ़ के वेख्या घर घर इयो अग, रहने का ढंग ही नहीं आता, जीने का ढंग ही नहीं आता, जीने का ढंग तो इतना अच्छा सिखाया है भगवान कृष्ण ने, बहुत ही कमाल का, दो ही तो ढंग गीता सिखा रही है, बाखुशी जीना, समय आ जाए तो बाखुशी शरीर को छोड़ देना, हाउ टू लिव हैप्पीली कोई गीता से सीखे, हाउ टू लीव हैप्पीली कोई गीता से सीखे, हाउ टू लिव हैप्पीली, हाउ टू लीव इस ध्यान को छोड़ना, हाउ टू लिव हैप्पीली, ओ बाबा जी मेरे बच्चे, हाउ टू लीव हैप्पीली, ये दो कलाएं आपको कृष्ण सिखाते हैं। ओ पढ़ी लिखी एजुकेटेड बेटी मॉडर्न गर्ल, ये दो कलाएं आती है ना बाबा, मैं तो सुन पहली बार रही हूं, हाउ टू लिव हैप्पीली जी, हाउ टू लीव हैप्पीली, हाय कह रहे, और हो क्या रहा है, हाउ टू लिव वीपिंगली, हाउ टू लीव वीपिंग, फिटे लाना, रोते हुए दिन काट रही है, तलियां मलते हुए जहान से निकल जाती है, यह तो कोई जीवन ना हो, ये तो कोई जिंदगी नहीं, क्या भगवान ऐसे चाहते थे हम रोते रहे पिटते रहे? बिल्कुल नहीं चाहते,
वो तो चाहते खुशी से जियो, खुशी से छोड़ जाओ इस जहान को। भगवान नहीं चाहते। जिसने सृष्टि बनाई उस प्रभु ने आपको इधर चोटी का गीता का उपदेश दिया है, जो ये दो ही तो साधन बता रहे हो गीता में है क्या, हाउ टू लिव हैप्पीली, हाउ टू लीव हैप्पीली, बाखुशी कैसे दिया जाए, बाखुशी इस शरीर को कैसे छोड़ दिया जाए, इसके लिए अच्छा अभ्यास करना पड़ता है। जैसे आपने मैट्रिक करने के लिए कितना अभ्यास किया, बीए के लिए कितना अभ्यास, एमए के लिए और पीएचडी के लिए तो मर ही गए हम, रिसर्च कर 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 करके गहराइयों में गोते मार मार करके कितनी मेहनत करेंगे, इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। काफी समय दे के पुराने विचारों को, पुराने इरादों को छोड़ना पड़ता है और एक इरादे को रख लेना होता। मैं क्या कहने जा रहा हूं, एकाग्रता पर, एकाग्रता कैसे बनी रहे, जब इंसान पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी हो जाता है और बाहर किसी पर भरोसा नहीं, भरोसा लेने योग्य है ही नहीं। अगर तो ये हमेशा हमारा साथ दे, हम भरोसा ले, इनमें परिवर्तन ना आए, लो इनके स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा, इनके विचारों में परिवर्तन आ जाएगा, इनके इरादों में परिवर्तन आ जाएगा। आप सगे भाई को देख लो, आपने पिताजी को देख लो, अपनी माता, ये तो हमारे बड़े नजदीक ही है। शादी के बाद अपनी बहन को देखो, जैसे मैंने इन्हीं नेत्रों से अपनी बहन को देखा। मैं माफी चाहता हूं ये कहता हुआ, बहने नहीं डैने बन जाती है। मेरे छाती पर इतनी जोर की चोट लगी जब मैंने ये देखा, शादी के बाद बहने बहने ही नहीं है, इनमें वो दर्द ही नहीं, वो हमदर्दी नहीं, केवल बाप को लूटना चाहती है। क्या बन गया इनका, वो खून कहां गया, खून पानी हो गया, कितना अंतर आ जाता है। शादी के बाद बहन कैसे, शादी कुआरी अवस्था में बहन कैसे, आप अपने घर में देखो, शादी के बाद भाई, कुआरा भाई कैसे, नया भाई कैसे, हाय मेरे रब्बा कितना परिवर्तन। फिर छोटा भाई कैसी है, बड़ा भाई कैसी है, जिसके जितने भाई है उतने छापे है, उतनी हलचल है उतनी बेचैनी है, जिसके जितने मामे है उतने ही शिकवे है। है, एक जैसा हो ही नहीं सकता, परिवर्तन ही नहीं होगा। हाँ, इस तरह कैसे इंसान शांत रहेगा, वे तो बदल जाती है सारे। कुआरे होते हैं तो हम कैसी होती हैं, ब्याह जाती हैं तो हम कैसी होती है, बड़ा अंतर। हाँ, बड़ा भारी अंतर। आपने तो देखा है, मैंने तो आंखों से देख लिया कि ब्याहों का स्वरूप क्या है और कुआरों का स्वरूप क्या है, कितना अंतर, कैसे गवारा करोगे। इसलिए कोई आपको शांत नजर नहीं आएगा, अशांत, चूंकि सहारे ले रखेंगे। जबकि कृष्ण कहती हैं, सहारा किसी का ना ले एक पल, पर हम तो मनमानी कर रहे हैं, हम तो भगवान के अनुसार जुट ही नहीं रहे। इस युग कैसे शांत रह सकता है, अगर संसार के सहारे लेके रहोगे, सहारे में परिवर्तन आएगा, परिवर्तन नहीं गवारा होगा। लो फिर रोते रहो मेरे बच्चे, फिर चिल्लाते रहो, पिताजी के शीश छूटने के बाद कितनी हलचल आपके परिवार में मची, ससुर जी के चले जाने के बाद कितनी हलचल मची, बंटवारा होने में कितनी हलचल, कितनी बेचैनी। तो अगर हम चाहती हैं क्या हमारा मन भटके नहीं, स्थाई रूप में एकाग्र रहे, तो लाजमी तौर पर भगवान का सहारा लेना पड़ेगा। मैं आजकल पढ़े लिखे को समझाता रहता हूं, कईयों को समझ आ जाती है, कईयों की बदकिस्मती मानते भी हैं, क्योंकि संसार के सहारे तो परिवर्तन वाले गए, तो परेशान कैसे रहोगे। है तो ठीक, पर एक गल अपराई नहीं जाती, खाओ धक्के। फिर अगर हम नहीं अपना खाओ तो धक्के, धक्के खा के सीखोगे। सुरखुरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, रंग लाती है वो मेहंदी पत्थर पे पिस जाने के बाद। खाओ धक्के, आप ऐसे धक्के ना खाए, आप जैसे मेरी माताएं, मेरी कल्याण कर्म देवियां, अब और धक्के ना खाएं। संसार के तजर्बे हैं तो हमारे उस्ताद, लेकिन इनके लिए कीमत बड़ी देनी पड़ती है। तजर्बे लेने के लिए बड़ी कीमत देनी पड़ती है, तजर्बों से इंसान सीख तो जाता है, डाकू से, खूनी से मुनि भी बन जाता है, वाल्मीकि जैसे, पिंगला विषया से वो एक चोटी की भक्तिमती भी बन जाती है, नास्तिक विवेकानंद चोटी का इंटरनेशनल महात्मा भी बन जाता है। पर कीमत कितनी देनी पड़ती है, तजर्बे है तो हमारे टीचर, पर इनकी फीस बहुत देनी पड़ती है, बहुत ही बड़ी भारी फीस है। तुम कहती है तजर्बे से हम बहुत सीखती हैं,
पर तजर्बे लेने के लिए कीमत कितनी, फीस कितनी देनी पड़ती है। जो बन गया, सुख गया, आराम गया, आपस में प्यार गया, फिर तजर्बा हुआ। बकरी ने दूध दिया, मेंग ने डाल डाल के दिया, क्या दूध लिया हमने। तजर्बे तो हुए पर धक्के खा खा के, जलील होके, बर्बाद होके, तब आई समझ जब बसर हो गई। कवि कहता है हमें तब समझ आई जब जिंदगी खत्म हो गई। हाय, तब आई समझ जब बसर हो गई, जब जिंदगी खत्म हो गई, तब क्या तो दिन गए। पर जिनका जीवन है भगवान के इस उपदेश का लाभ उठा लो, सहारा नहीं लेना। अपना कर्तव्य, कितना चोटी का उपदेश है अब भगवान जी का, अपना कर्तव्य पूरा करना है। जो हम समझते हैं मेरी माँ जी मेरा कर्तव्य है, ये ना कहे उनका कर्तव्य है, फिर तो यह मार खा लोगे, फिर बच्ची तो थप्पड़ खा लेगी, फिर तो दुख भी तीन प्रकार के, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, तीन प्रकार के दुख आपको पकड़ लेंगे। जबकि मेरा कर्तव्य क्या है इसके प्रति, उसके प्रति, बस फिर क्या होगा, मन अपने में रहेगा, मन अपने में रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। दृष्टांत देते हुए हमारे महापुरुष कहती हैं, दो प्रकार के शस्त्र होते हैं, एक शस्त्र होते हैं, एक अस्त्र होते हैं। हा बाबा, इन दोनों में अंतर क्या है, मैं बताता हूं बेटे। दो प्रकार के औजार होते हैं, वेपन्स, देयर आर टू काइंड्स, एक अस्त्र एक शस्त्र। शस्त्र तलवार की तरह होते हैं, जो हाथ में लेके वार करना पड़ता है, तलवार की तरह, और शस्त्र अस्त्र भाले की तरह होते हैं, जो हाथ की ताकत से फेंकने पड़ते हैं। हाय 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 हाय, जैसे भाला आदमी है, आपने अपने हाथ से फेंक दिया, जाके वार करेगा, लेकिन शस्त्र इतना नुकसान नहीं करता जितना अस्त्र। अगर अस्त्र अपने जगह पर ना लगा तो वही अस्त्र आपके ऊपर भी वार कर जाएगा, उसी अस्त्र से वो आपका सिर भी काट देगा या आपको बड़ा भारी जख्म पहुंचा देगा। है हाँ, अगर हम अपने हाथ में अपने आप को रखेंगे, अपने मन को, तो अनेकों का फायदा पहुंचा देंगे। अगर हम दूसरों पर भरोसा करेंगे तो अस्त्र की तरह जख्मी होते रहे। ना भूलना मेरी देवियों, दो प्रकार के औजार होती हैं, एक तलवार की तरह अपने हाथ में रखकर और एक भाला की तरह वार वार करना, दूर से वार देना। हाँ, फिर दूर से वार को जरूरी तो नहीं भी सिर पे लगे, वो तो भगवान राम के तीर थे, राम बाण जहां का निशाना बनाया वही तीर लगा और निशाना बन के उसको खत्म करता वापस आ गया। हम वो तो नहीं, हमारे पास कोई इतनी ताकत नहीं, हमारे अचूक बाण नहीं है, अचूक अस्त्र नहीं होंगे, अचूक जो चूके नहीं, हमारे चूक भी जाएंगे तो हम खुद मार खा लेंगे। इसलिए अपनी तरफ देखें हम, ऐसा इंसान अपने आप में रह के अपनी भक्ति बढ़ा लेगा, है अनेकों को लाभ पहुंचा देगा। तो दोनों तरीके हो गए, तन काम में मन रहे, जान लोक भी बनता गया, पर लोक भी बनता गया। अगर इंसान अंतर्मुखी होकर अपना कर्तव्य पूरा करे तो अंतर, मन तो अंतर में गए पर लोक बन गया, और बाहर अपने कर्तव्य कर रहा है लोक बन गया। इस पॉइंट को पकड़ लेना, कितना शानदार वैदिक धर्म है जो आपको एट द सेम टाइम इन द सेम लाइफ दोनों लोक बना देता है, लोक और परलोक। परलोक के लिए अलग नहीं तप करना पड़ेगा, वो परलोक अंदर ही अंदर बनता जाएगा, इधर आपका लोक बन रहा है। बुढ़ापे के लिए आपको अलग नहीं करना पड़ेगा, आप जो कमाई आती है हर महीने आप 500 रुपया बैंक पे दे आती है और ये आप मल्टीप्लाई करता जाएगा, बुढ़ापे में आपके काम आ जाएगा। आपका यदि मन अंदर में रहे, किसी पर भरोसा न करें, उम्मीद न करें, कोई स्वार्थ किसी से न रखें, केवल अपने कर्तव्य को देखते जाएं, हाँ अब आपका मन शांत रहे, हाँ अब आपका मन एकाग्र रहेगा। विषय चढ़ा हुआ है क्या, एक कंसंट्रेशन का, एकाग्रता का। इंसान अगर अंतर्मुखी रहना सीख जाए, उसका मन चलते फिरते उठते बैठते हर समय एकाग्र रहेगा। एकाग्र मन निर्मल हो जाता है, निर्मल मन सदा भक्ति के काबिल। इस नुक्ते को पकड़ लेना, मैं बहुत लाभ उठा रहा हूं, परमात्मा करे मेरे से भी ज्यादा लाभ आप उठाए, क्योंकि अब मैं आपके लिए बैठा हुआ हूं। ज्यादा लाभ उठा लो मेरी बेटी इस बात को कि मैंने किसी का भरोसा नहीं देना, चाहे मेरी मां है, बाप है, पति है, पत्नी है, अपनी ओर से मैं दिलो जान से सेवा करूंगी, लेकिन डिपेंड करके नहीं है, डिपेंड करके नहीं, कर्तव्य समझ के। इससे आपका मन हमेशा एकाग्र। परिवर्तन तो होगा पर आपने सहारा ही नहीं लिया। अरे परिवर्तन तो नहीं रुकेगा पर आपने सहारा, रोग क्यों, आप में बेचैनी क्यों होगी,
पिटती तो हम तब है जब हम उन पे भरोसे लेते हैं, उनका सहारा लेते हैं, तब हम मरेंगे, तब हम गिरेंगे। हा उसकी छत बड़ी भारी खतरनाक है। हा जिसके जो है ना छतीर दीमक से खाया जा रहा है और नीचे उन्होंने पिलर दे रखेंगे लकड़ी के। हा तो ये पिलर पता नहीं किस वक्त गिर जाए, माना कि वो छतीर नहीं गिरेगा क्योंकि नीचे पिलर दे रखे हैं, लेकिन पिलर किसी वक्त गिरे छत सारी गिर जाएगी। जिन्होंने अपनी जिंदगी के नीचे अनेकों के पिलर दे रखे हैं उनका जीवन किसी काम का। ये मेरे गुरुदेव ने समझाया था मुझे, आप लोगों ने कितने पिलर नीचे दे रखे हैं, पिता का, मां का सहारा, पत्नी का, पति का सहारा, इज्जत का सहारा, नीचे पिलर अपनी लाइफ रूपी छत के नीचे कितने सहारे गए और इनमें हलचल मचनी। बस इंसान शांत रह नहीं सकता। थोड़े जीव ऐसी हैं जिन्होंने लिंटर डाल रखे है, हाय 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 हाय, ना पिलर है ना कोई छतीर है ना गर्डर है, जो है लिंटल अपने आप में खड़ा होता है। लिंटल मोटे मोटे सरिये पड़ती है, सख्त तेज सीमट पड़ता है, बजरी पड़ती है, ये सारे एक मेक हो जाती है, है। जब कुछ दिन हम उसे कालब बनाई रखती है और 14-15 दिन के बाद जब हम खोलती है तो वो सारा एक मेक नीचे से कालब छुड़वा लेती है, नीचे सहारे तोड़ देती है, पर वो छत अपने आप में टिक जाती है। वाह, आपका वैदिक धर्म आपको अपने सहारे खड़ा करता, आपको गीता का उपदेश आपको अपने सहारे खड़ा कर देता, आप अपने आप में रहती हैं, अपने भगवान के सहारे रहती हैं, हमेशा शांत, हमेशा आनंदित। नहीं तो रब ने लानत मारी है जो भगवान का सहारा छोड़कर इन टूटने वाले के सहारे लेती हैं। ये पहले गए अमृत फिर जहर गए, रजोगुण मुसर्रत की एक लह। ये शुरू में तो रस देंगे लेकिन बाद में आपको बड़ा दुख होगा, देख लीजिए बाद में आपको कष्ट होता है इन्हीं से। तो जिसका जो चाहते मेरे मन हमेशा एकाग्र रहे सिवाय भगवान के, वो सहारा किसी का नहीं। सुन ले मेरी देवी, आप मानो ना मानो पर हम तो अपना के बड़ा ही सुख पा रहे हैं। हम सिर्फ पढ़ने वाले नहीं, केवल बक बक करने वाले, सुनाने वाले नहीं, हम भी सदके के बकरे बनकर भगवान की वाणी को अपनाने में एड़ी चोटी का जोर लगा देते। मैं वो वक्ता नहीं हूं, स्पीकर नहीं हूं, लेक्चरर नहीं हूं जो बक बक करके चला गया। भगवान की वाणी को अपनाने में जितनी मेरे से बन सकता है, मेरे भगवान साक्षी है, पूरी कोशिश कर रहा हूं। जितनी ताकत मुझे भगवान दे रहे हैं उस ताकत का सदुपयोग करता हुआ अपनाता हूं, तभी मुझे आपको समझाने में कुछ मजा आता है। वरना मैं इतना लंबा समय आपको कभी ना समझाता, 40 साल, अगर मैं खुद अपनी लाइफ प्रैक्टिकल ना बनाने वाला होता। आप भी जरा बना के देखो, बहुत ही शांत हो जाओगे, बड़ी जल्दी आपका परलोक बनने लग जाएगा। बहुत जल्दी मेरी देवियों आप परलोक बना लेंगे। मजाक नहीं किया भगवान ने हमें जन्म देके। आप अपने आप से पूछोगे भगवान ने रोने के लिए पैदा किया? जब आपको जन्म देने वाला पिता नहीं चाहता मेरे पुत्र रोए, मेरी धी रोए, तो परम पिता कैसी चाहती है कि मेरी सृष्टि में मेरे द्वारा भेजे गए जीव रोए, मेरे जैसों का सिर खा लो, बोलने ना दिया करो। हम जो बोलने आए हैं भगवान की वाणी समझाए गए, ये राज की बातें आपको समझाने आए। क्या भगवान चाहता है मैं हम रोते रहे? बिल्कुल नहीं। तो फिर सारे रो रही हैं भगवान के बनाए हुए रास्ते को छोड़े हुए। एक ही जवाब कृष्ण देता है कि जो मैंने बताया वो क्यों छोड़ दिया। खुद गीता में कहती है इसी तरह दुनिया का ये दौर इसी तरह चलेगा। भगवान कहते मेरे बच्चों तुम इस तरह बुद्धि को, मन को, तन को और कार्यों को चलाते जाओ, तुम लोक बना लोगे, परलोक बना लोगे। और यदि इस राह से हट के ले रहा और वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार, हयात उसकी दुनिया बेकार, उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी अगर भगवान के रास्ते को छोड़ दिया। अब आज के नास्तिक नर नारी बन गई है, ना भगवान को मानती है ना उनके बताए हुए उपदेश को मानते हैं। खाए धक्के, क्या भगवान का बिगड़ रहा है, क्या उनका उपदेश बिगड़ रहा है, हमारा ही बिगड़ रहा है। हम ही मरे जा रहे हैं, हम ही तबाह हो रहे हैं। क्या भगवान का बिगड़ रहा है मेरी बेटी, अगर दुनिया नास्तिक बनती जा रही है और हम मनमानी करके क्या जलील हो रहे हैं, बर्बाद हो रही है। भगवान नहीं चाहता हम रोएं, ना मेरी सजनों, हम उनके बच्ची हैं और अपने श्रीमुख से गीता में कह रहे हैं मैं सारे जहां का हूं, माता पिता मैं दादा हूं, सबका मैं हूं आसरा। वो थोड़ा चाहती है जैसे जन्म देने वाला पिता नहीं चाहता मेरी औलाद सुखी रहे,
मां रोटी नहीं खाती अगर पत्र आ जाए कि धी उसकी दुखी है, बिल्कुल कलेजा हाहाकार मचाता है। लाख हम मिनते करे मां थोड़ा सा रोटी मेरी से नहीं खाई जाती, मुंह में डालती हूं बाहर आ जाती है, मेरी धी दुखी है। हरपा शादी भी हो गई, सब कुछ दे भी दिया, पर इतने से हमारे वक्त तो शहद पत्र एक पैसे का कार्ड आता था शहद, अगर मेरी बुद्धि काम करती है तो एक पैसे का कार्ड मां जी को हिला देता। बजरी तो मां मुझे भेज किसी को, मुझे बुला ले, मैं बहुत दुखी हूं। ओए होए होए, नींद नहीं आनी, बार बार उठ के पिताजी को उठाना, सो गए हो तो नींद आती है, मुझे नहीं आती ना, सिर उठ के मुन्नी को लेके आओ, मैं जाऊंगा, अब तो सो जा, मुझे नींद ही नहीं आती। मां ने आंगन में चक्कर काटते रहना, ये क्या बना रखा है रब ने, ये मां बाप नहीं चाहता, ये मां बाप नहीं चाहता। हां जरा सा किसी ने बता दिया आपके बेटे को मास्टर जी ने मारा है, पिताजी घर से सारे काम छोड़ के स्कूल में पहुंचे और पढ़ते हुए कोई इशारा किया, बाहर आया, मुझे पता लगा तुझे मास्टर ने मारा है, मुझे हां क्यों, एक सवाल मेरे से नहीं हुआ था, पांच सवाल मिलते हैं घर के लिए, फिर क्या किया, पिछक मार लिया करें, पर ये पेंसिल हमारे वक्त देखो किसी बुरी सजा होती थी, इनमें पेंसिलें देखी तो पेंसिलों को दबाते थे, वो चीखे निकलती थी हमारी, किसी का ना करना। मास्टर चार पांच पेंसिलें रखते थे, उनका नाम था मास्टर वसंदा राम जी, भगवान को मेरा भी तप दे दे, तो यू पेंसिल रखनी और फिर पेंसिल दबाते फिर चीखे निकलेंगी, तो हम लोग दो दो दिन अपने हाथों को दबाते रहते थे, दो दो दिन, तो बाप को पता लगा कि मास्टर ने मारा तो बाप को चैन नहीं पड़ी, मैं जाऊं हाथ जरा उंगलियां दिखा, आई ये धसी पड़ी है पेंसिलें, खैर क्या हुआ छोड़ो पड़ी बात को, बाद में पिताजी ने क्या किया, उनको चैन ही नहीं पड़ती कि उनकी औलाद दुखी है, परम पिता को भी चैन नहीं पड़ती कि हम दुखी, उनको जरा नहीं चैन पड़ती। फिर मैं तो एक बात आपको बार बार आखिरी श्वास तक भी कह के जाऊंगा, अगर मेरा एक भी श्वास बाकी रहेगा पूछेंगे मैं यही कहूंगा जो भगवान ने कहा है अपना लो, बस मैं अब भी कह रहा हूं तब भी कहूंगा आखिरी वक्त भी यही कहूंगा कि जो प्रभु ने कहा है उसमें मेरा आपका सबका कल्याण, अगर इसको छोड़ती है तो हमारी तबाही ही तबाही है। खुद भगवान कहते हैं ये दुनिया है उसकी, इससे बढ़ के रब क्या कहे, इससे बढ़ के आपका प्यारा कृष्ण क्या कहे, आपके इष्ट देव अवतारी भगवान क्या कहे कि वो इस दुनिया में भी दुखी होगा अगले जन्म में भी दुखी होगा। मन एकाग्र कैसे रहे, भगवान के उपदेश को अपनाकर अंतर्मुखी होने से, अर्थात संसार में रहे पर संसार का सहारा लेके ना रहे, क्योंकि मैंने बताया दलील के साथ भगवान को उपदेश है, क्यों, क्योंकि इनमें परिवर्तन आ जाता है, तुझे दुख की दुनिया ही फानी है, यह अनित्य है और दुखदाई है, हाँ इनमें परिवर्तन आता फिर बड़ी मौज थी, पर देख लो मां में परिवर्तन, पिताजी में परिवर्तन, अपने घर में लो, अड़ोस पड़ोस को छोड़ो, शादी के बाद आपके मन में परिवर्तन है, शादी के बाद सगे भाई में परिवर्तन, बिल्कुल सब परिवर्तन ही परिवर्तन परिवर्तन, वो परिवर्तन ही गवारा होता हमसे, बस बेचैनी परमान में बेचैन, अगर मन ना बेचैन हो तो दुख कहती किसी है ये पता ही नहीं लगता हमें, मन जब अपने तवासन खो जाता है इसको दुख कहती है। तो गीता कृष्ण ये तरीका बताती है कि घटनाएं तो घटें लेकिन हमारे पर असर ना हो, वाह मेरे कृष्ण वाह, सर्दी आए पर हमारे पे असर ना हो, कोई बीमार हो पर हमारे पे असर ना हो, कोई कल दिन जिंदगी के पूरे हो गए मर गया हमारे पे असर ना हो, वो इंसान असर जिस पे इनका असर ना हो वो कैसी, जब भगवान का ज्ञान अपनाया हुआ हो, सर्दी जोर की चले मैं कल कह रहा था पर हमें हमारे दांत ना बजे, कब, जब तीन चार कपड़े हमने गर्म पहन रखे हो, शीत लहर तो चलेगी पर हम हमारे में कम कम भी नहीं होगी मेरे सजनों मेरे देवियों, जब तीन चार कपड़े हमने पहन रखे हो गर्म, इसलिए जब भगवान के ज्ञान को हमने अंदर रखा हुआ और भगवान के हाई थिंकर को जब हमने रखा होगा, गर्म कपड़े मेरे अटैची में पड़े गए, हाँ ध्यान देना और मुझे सर्दी लगेगी जरूर, ये मेरे स्वामी ने मेरे गुरु ने समझाया, मैंने पहने हो तब तो सर्दी नहीं लगेगी ना, हाँ मैंने शास्त्र पढ़ लिए हैं और वो मेरे अलमीरा में पड़े हैं लेकिन मैंने गड़े नहीं, फिर तो दुख आएगा ना, कपड़े अटैची में पड़े हैं मैंने पहने नहीं सर्दी लगेगी ना, हाँ मां शास्त्र पढ़ लिया लेकिन अपनाया नहीं तो दुख आएगा ना,
मेरा तवासर खराब कितने गजब का दृष्टांत है। कपड़े पहनेगी तब भी सर्दी नहीं लगेगी ना। हाँ क्या अटैची में रखते कपड़े गरम, फिर इसमें हम कांपेंगे। सिर्फ एक बार दो बार गीता जी पढ़ ली और पढ़ के यूं रख दी। पढ़ तो ली पर मैंने ये नहीं कहा मैंने गढ़ भी ली, मैंने इसे अपने जीवन में ट्रांसलेट किया या नहीं। नो, तब दुख मुझे हिलाएगा, दुख झकझोरेगा, तब गीता का दोष नहीं ना गीता के कृष्ण का दोष है, मेरा दोष है कि मैंने इसको अपनाया नहीं। पिताजी ने गर्म कपड़े सिला दिए, 3-4 हजार रुपया लगाया, पर मैं नलायक नहीं, अटैची में रख के गोलियां बीच में रखी है फिनेल दी, इस्तेमाल नहीं करता। वेल आई एम टू बी ब्लेम्ड, नॉट माई फादर नॉट माई पेरेंट्स, आई एम टू बी ब्लेम्ड, कसूरवार तो मैं हो गया ना, आई एम गिल्टी नॉट माई फादर। तो परम पिता गिल्टी नहीं है, हम गिल्टी हैं जो उनके उपदेश को अपने जीवन में उतारते नहीं। बड़ी जल्दी ले लो आपका मन एकाग्र रहेगा, हम बार मुखी नहीं होंगे, बार तो परिवर्तन हो जाएगा, बार तो तब्दीली हो जाएगी। ये याद रखो, मैं आपको ये कह के भेज रहा हूं, रहो जहां भी भगवान ने रखा है बहुत ही अच्छे हो, आप सहारा ले लेती हो, मरो फिर आप बाप, नारी तो बात बात में सहारा लेती है, बात बात में, इसलिए आप इंसान से कई गुना ज्यादा रोती हैं, हैं? नर की अपेक्षा नारी कई गुना दुखी जाती है, क्योंकि आपका मन रब ने नरम बनाया, मां बनाना था, आप सहारे लेके दुखी होती हैं। और भी हैरानगी की बात, भारत में नारियों की आत्महत्याएं हर वर्ष बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। आपकी आत्महत्या बहुत कम है इनके मुकाबले में, क्यों इनसे गवारा ही नहीं होती? ये इतना ज्यादा मन लगा बैठती है यहां तहां वहां, उनमें होता है परिवर्तन, परिवर्तन गवारा नहीं होता। हम जी कर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया, फिर जिंदगी रखने का दिल ही नहीं करता। सियाने बनो, आप कल्याण चाहते हैं, जितनी भी आने वाली मेरी देवियां हैं सब चाहती हैं हम कल्याण करके रहे और जाना है जहां से कल्याण करके मर जाए, ना कि फिर गर्भ में गिरे, फिर छोरा छोरी बने या स्त्री पुरुष बने, ना हम जाएं तो फिर भगवान के अनुसार रहो। भगवान ने सारे तरीके बताए हैं, सब समझाया है अपने महाराज जी ने अपनी वाणी में, मेरे जैसों से समझ लो फौरन अपना लो, 4 दिन आराम से कटोगे और कल्याण करके जाओगे। अब विषय चला हुआ एकाग्रता का, मन एकाग्र रहे किसी का सहारा ना लो, क्यों ये टूटने फूटने छूटने वाले हैं, दीज आर ऑल क्रॉकरी, दीज आर ऑल पेरिशेबल है, नथिंग दिस इज क्रॉकरी। जैसे क्रॉकरी शीशे के बर्तन होती है, चीनी के बर्तन होती है, पता नहीं किस वक्त कड़क टूट जाए, इनका भी भरोसा कोई नहीं किस वक्त कब टूट जाए। आजकल तो मौत कलकैरियां मार रही है, और मर गया, एक्सीडेंट हो गया, और क्या हो गया, और हार्ट फेल हो गया, और क्या हो गया, रात 27 हो गया, और क्या हो गया, टीका रिएक्शन का, हाय रब्बा मेरे, डॉक्टर कैसी आड़ ले लेते, क्या करें, टीका रिएक्शन कर गया, दवाई रिएक्शन कर गई, रिएक्शन। अपने को छुपाने का ये शब्द कितना सुंदर निकाल लिया गया, मेडिसिन रिएक्शन कर गई, टीका रिएक्शन कर गया, बात बात में इशारे, मुझे पेट में दर्द पड़ गई, मेरा बच्चा पेट में उल्टा हो गया, मैं मर गई, मेरा ये नहीं होता, मौत तो बात बात में देख लो, जगह 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 मौत 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 मौत, कोई खुशी की बात नहीं करता, सिर्फ मौत की बात, एक्सीडेंट हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, उसको ये हो गया था, उसको ये बन गया था, मजाक कर रही है काल हमारे साथ। पर जो महाराज जी के अनुसार रहती है अपना कल्याण करके रह के कल्याण करके चले जाती है, तो ये मृत्यु लोक जाना तो हमें है, तो क्यों ना भगवान जी के अनुसार अपनी जिंदगी में कल्याण करके रहे, कल्याण करके चले जाते। आखिर में कहना चाहता हूं, या तो लड़के ने इम्तिहान ना देना हो, इम्तिहान देना है तो क्यों ना तैयारी करके रहे, या तो हमने संसार में जाना नहीं, जाना है तो क्यों ना तैयारी करके रहे। तैयारी क्या है, फिर वही आगे, मैं वही आ गया हूं, सुकेड़े जो हर शय से, ये कृष्ण तैयारी करवाती कि हमने बेवकूफी से अनेक शरीरों के साथ अपने आप को अटैच कर लिया, अनेकों के साथ अपने आप को मिला लिया। अब तैयारी का है अनेकों से अपने मन को खींचे और भगवान के संग जोड़ दे, ये है तैयारी। कोई 2 दिन में जोड़ लेता है, कोई 2 महीने में, कोई 2 वर्ष में, कोई 2 जन्मों में भी नहीं निकाल सकता। आप देखो 2 महीने में खींच लोगे, 2 वर्षों में खींच लोगे, लानत मुझे अगर मैं ये कहूं कि 2 जन्मों में खींचोगे। सिर्फ खींचना है अपने आप को इनसे, खींच के क्या वही मन की ताकत लगा देनी है भगवान के साथ। बाबा
हमने अपना मकान बनाना है, एक पूछने के लिए आया, हाँ आपके मुकद्दर मकान है, तो तूने मुझसे कुछ दिन महीने पहले ही पूछा था, हाँ फिर आज फिर वही प्रश्न कर रही हो, क्या बात है? बाबा मकान तो मैंने बनाना है, पर आज पहले मेरा बिक जाए ना पुराना मकान, उसी का फंड कुछ कर्जा लेना है, कुछ वो धन होगा तो मैं नया मकान बनाऊंगा। हाँ तब होगा। अब आप क्या, आप अपना कल्याण करना चाहती हैं, तो जो मन आपने फैलाया है अनेकों के साथ खींचो ना, तो वही मन की शक्ति परमात्मा के साथ लग जाएगी, क्योंकि अभ्यास तो मन ने करना है, माइंड इज एंगेज्ड विद सो मेनी नेम एंड फॉर्म, अब उससे खींचिए और ये शक्ति जो इकट्ठी होगी जोड़ दी, जैसे कहते हैं पुराना मकान मैंने डिस्पोज ऑफ करना और उसी के धन से मैंने नया मकान बनाना है, हाँ यही अपनी मन की शक्ति भगवान के साथ लगानी है, मन की शक्ति बिखेरी हुई है अनेकों के साथ, खींचो, अब खींच के वो मन की शक्ति इकट्ठी हुई जोड़ दो मालिक के साथ। कितना मन एकाग्र रहता है उस नेक जीव का, उस लक्की सोल का मन कितना एकाग्र, जिसने चारों ओर से मन को खींच दिया। अब आपका क्या, हमेशा मन एकाग्र रहेगा, भक्ति में आप उन्नति करते जाएंगे, गृहस्थी इसलिए उन्नति नहीं करती को मन को खींचते नहीं, आप कहते हैं मेरे बाकी भी मोह ममता वासना काम लोभ चलता रहे, एक भक्ति में नाल नाल चलाई जावा, भगवान कहते ये हो नहीं सकता, क्या केवल एक भक्ति चलेगी, बाकी वृत्तियों का गला दबेगा, काम का क्रोध का मोह का लोभ का अहंकार का, इनके रहते हुए आप कहें कि भक्ति भी कर लूं, ये असंभव असंभव, चूंकि कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे हर की भक्ति कर और चाहे संसार या विषय कमाओ, माइंड इज वन आइदर टू दिस साइड और टू दैट, मन दो तरफ नहीं लगता भगवती सजनों, सोचना मन हमेशा एकाग्र कैसे रहे, जब ये अंतर्मुखी हो जाए, अंतर्मुखी कैसे हो, जब ये बार के सहारे छोड़ दे, बार के सहारे क्यों छोड़े जाए, क्योंकि इनमें परिवर्तन हो जाएगा और ये हमें रुलाएगा पिटाएगा दुख देगा, इसलिए दाना आदमी व्यवहार तो करता है पर इनका इतबार नहीं करता, इनमें अपने आप को फंसाता नहीं। अगर आप अपना कल्याण चाहती हैं मन को एकाग्र रखिए, अब विषय चल रहा है एकाग्र कैसे रखें, सदा के लिए हमारा मन एकाग्र कैसे हो, एकाग्रता क्या है आपको बताया गया, एकाग्रता क्यों करनी चाहिए बता, एकाग्रता कैसे रहे, इस पर प्रकाश डालने की गीता के उपदेश के आधार पर पूरी पूरी कोशिश की जा रही है और मुझे पूरी उम्मीद है आप कल्याणकामी है समझ के अपनाते चले जाएंगे और अपना कल्याण करेंगे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।